अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल डाइट जर्नी बाय मायरा। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो ऑल अबाउट फूड पर है, तो मैं फूड से ही आपको होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जिससे भी आपको हेयर और स्किन का इशू होगा वो, और फूड से ही आपका वेट गेन और लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ फूड का ही रिव्यू जो कि हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो चलते हैं अपने फूड रिव्यू की तरफ, और आज मेरा फूड रिव्यू है डे फ्रेश मिल्क। ठीक है, ये डे फ्रेश मिल्क जो है ये कहते हैं 100% ऑस्ट्रेलियन काउज मिल्क है ये, और ये मैंने ट्राई किया, ये बहुत ही हेल्दी लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर जो दूसरे मैं डब्बे के दूध लेती हूँ, और ये वाला ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिया और मुझे ये पसंद आया, फ़र्क महसूस हुआ, तभी मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू दिया जाए और आप लोगों को भी इसे सजेस्ट किया जाए कि ये वाला ज़रूर ट्राई करें, डे फ्रेश का काउज मिल्क। तो चलते हैं इसकी प्रोसेसिंग की तरफ। ये डे फ्रेश मिल्क जो है आपके पास डेयरी लैंड से आता है, ठीक है, डेयरी लैंड फार्म से। इसकी प्रोसेसिंग इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करी है कि ये कहते हैं कि इनका जो मिल्किंग प्रोसेस है वो मशीनरी के थ्रू होता है, डायरेक्ट हैंड से नहीं होता। हैंड से करने से क्या होता है, कंटैमिनेशन के चांसेस क्या होते हैं। अब कंटैमिनेशन क्या है हमारे पास, कंटैमिनेशन ये होगा कि बैक्टीरियाज़ वगैरह जो हैं वो आ सकते हैं, तो इसलिए ये मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मिल्किंग प्रोसेस मशीन के थ्रू बहुत ही अच्छा हो गया। नेक्स्ट चीज़ अब इन्होंने कही कि ये मिल्किंग हो गई, अब हमें ये देते हैं दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो हर मिल्क के लिए यूज़ होते हैं, जो इस तरह के डब्बे के दूध होते हैं ना उसमें, USD और दूसरा है होमोजेनाइज़र। ठीक है, ये दो प्रोसेस होते हैं। USD मतलब क्या है, अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट या अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। इसमें ये हीट मतलब के टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ जो मिल्क की होती हैं वो ठीक रहती हैं। अब दूसरा है होमोजेनाइज़र। होमोजेनाइजेशन में हमारे पास ये क्या करते हैं, जो फैट हमारे मिल्क के अंदर, जो फैट जो भी चिकनाई और जो है मिल्क होता है ना वाटर, ये दोनों होते हैं सेम कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे ये हमें हैवी लग रहा होता है डब्बे का दूध तभी, और जो बाहर के दूध होते हैं ना खुले दूध तभी वो पानी पानी लग रहा होता है, और उसमें पानी भी होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अब तीसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्या कही, मिल्किंग प्रोसेस हो गया, USD ट्रीटमेंट हो गया, होमोजेनाइजेशन हो गई। अब यहाँ पर ये एसेप्टिकली पैकेजिंग करते हैं। वो एसेप्टिकली पैकेजिंग क्या होता है, जहाँ पर आपके पास डब्बे में या दूध में जो है कंटेमिनेट ना हो, इन्वायरमेंट ही ऐसा बना देते हैं जिससे बैक्टीरिया ना जा सके दूध में, और ये टेट्रा पैकेजिंग हो जाए उसके बाद। ठीक है, पैक्ड हो गया आपके पास, पैक के बाद डिलीवरी, उसके बाद 100% प्योर मिल्क आपके ग्लास में होते हैं। ठीक, अब इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ भी इन्होंने बहुत अच्छी बताई हैं। इसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, और कैल्शियम, ऑब्वियसली मिल्क है तो कैल्शियम तो इसमें है ही। और इनकी जो बातें मुझे पसंद आई हैं वो ये कि ये जो हैं इनके पास मिल्क में कोई वाटर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, हार्मोन्स के इंजेक्शंस नहीं, इन्होंने यहाँ मेंशन किया। ऑब्वियसली जब कोई क्लेम कर रहा है, मेंशन कर रहा है, इट मींस कि नहीं, और ये 100% हेल्दी है। ठीक है, और एक और चीज़ उन्होंने लिखी, कोई भी मिल्क पाउडर नहीं है। कुछ लोग करते हैं ना कि मिल्क में सुना जाता है कि ये भी डाल दे तो वो भी डाल दे और उससे कंसिस्टेंसी ठीक हो गई, तो इसमें ऐसा नहीं है। आप ये ज़रूर ट्राई करें और आपको फ़र्क महसूस होगा, मैं दोबारा कहती हूँ। ठीक है, और अगर आपको जो है ये पसंद आए और मेरी वीडियो भी पसंद आए, इसको लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।